संभल पुलिस ने सप्ताह भर पहले हुई युवती की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया है। युवती का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई निकला। हत्या की वजह युवती का कथित रूप से पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात से पर्दा उठाया है। संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया है कि बीते महीने 25 नवंबर को राजपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम महुआ हसनगंज के जंगल में एक युवती की लाश बरामद की गई थी, जिसके बाद खुलासे के लिए टीम गठित की गई। उन्होंने बताया है कि पुलिस पड़ताल में जो चीज़ें निकल कर सामने आईं वो बहुत चौंकाने वाली थी। दरअसल मृतक युवती की हत्या उसी के सगे भाई अमित ने की थी। एसपी ने जब पूछताछ की तो आरोपी ने बताया है कि 2 साल पहले मृतका की शादी जनपद बदायूं में हुई थी, मगर वो शिशुपाल नाम के एक शख्स के साथ रहने लगी थी। इसी बात से आरोपी नाखुश था और किसी तरह बहन को बहला फुसला कर घर ले आया और वारदात वाले दिन बाइक पर बिठाकर जंगल में ले गया, जहां तमंचे की बट से सर पर वार कर रस्सी से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम महुआ हसनगंज के पास में 25 तारीख को एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसके सिर पर तथा गले पर चोट के निशान थे। लड़की के पिता की तहरीर पर उसके जानने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध FIR पंजीकृत किया गया था। मामले में जब पुलिस की तरफ से विस्तृत जांच की गई तो इसमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिले जिनसे यह सिद्ध हुआ कि लड़की की हत्या लड़के के भाई अमित कुमार ने की है। इस मामले में अमित कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित कुमार के और लड़की के मोबाइल में कॉल रिकॉर्ड को भी चेक किया गया और उसमें ऑडियो क्लिप भी मिली है, जिसमें घटना के समय मारते समय की ऑडियो है, जिससे लड़की के चिल्लाने और उसके बचाने के जो उसका प्रस्तावना थी उसकी आवाज आ रही है। इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए संभल से सनी गुप्ता की रिपोर्ट।